हराने मैदान में उतरा पूर्व आईपीएस अफसर। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को नहीं हुआ बर्दाश्त। बक्सर पहुंचते ही पूर्व आईपीएस को दे दिया चैलेंज। चुनाव होते ही पूर्व आईपीएस को हिमंता ले जाएंगे असम। कौन है ये पूर्व आईपीएस जिसे हिमंता ने दे दिया चैलेंज? बिहार की बक्सर लोकसभा सीट पर इस बार जबरदस्त सियासी जंग छिड़ी हुई। एक तरफ जहां मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव सुधाकर सिंह को टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे। लेकिन बीजेपी की असली लड़ाई तो किसी और नेता से है, जिनका नाम है आनंद मिश्रा। नौकरी छोड़कर सियासी मैदान में कूदे पूर्व आईपीएस अफसर आनंद मिश्रा बक्सर में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे। बस यही बात बीजेपी को लगता है बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि एक तरफ तो आनंद मिश्रा को जनता जनार्दन का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इस बात का भी डर सता रहा है कि आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण है, जिसकी वजह से बीजेपी के पाले से ब्राह्मण वोट छिटक सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को छोड़कर पूरी ताकत आनंद मिश्रा को हराने में झोंक दी। तभी तो कुछ ही दिनों पहले बक्सर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब मंच संभाला तो सीधे आनंद मिश्रा को ही निशाने पर ले लिया और मंच से ही उन्हें चैलेंज देते हुए कह दिया, यहाँ जो आनंद मिश्रा घूम रहा है ना, चुनाव बाद उन्हें मैं असम लेकर जाऊंगा। देना है मिथिलेश जी को वोट देना है और बाकी यहाँ जो आनंद मिश्रा घूम रहा है ना, चुनाव का बाद मैं उनको दोबारा असम में बुला के ले जाऊंगा। भाई बेटा इधर ही आओ, जो करना है उधर ही करो, बिहार जाके डिस्टर्ब मत करो, असम में तुम्हारा विधि घर है, मैं असम में तुमको ले जाऊंगा, उधर ही रहो, सुख में रहो, यहाँ में बीजेपी को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ बक्सर में घुमा घूमी मत करो। ये मोटरसाइकिल चलाने वाला हमें लोग नहीं चाहिए, हमें कश्मीर भारत में लेने वाला हीरो चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बिहार के बक्सर आकर सीधे निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा पर हमला बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा साल 2023 के दिसंबर महीने में ही आईपीएस की सर्विस से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जब वो पुलिस सेवा में थे तो उस वक्त आनंद मिश्रा की तैनाती सीएम हिमंता के असम राज्य में ही थी, जहां ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की वजह से वो चर्चाओं में आए थे। यही वजह है कि सीएम हिमंता जब बक्सर में चुनाव प्रचार करने आए तो उन्होंने सीधे आनंद मिश्रा को ही निशाने पर ले लिया और चैलेंज देते हुए कह दिया कि चुनाव बाद तुम्हें असम लेकर जाऊंगा, असम में तुम्हारा अभी भी घर है, वहीं रहो, सुखी रहो, यहाँ बक्सर में बीजेपी को डिस्टर्ब मत करो। देना है मिथिलेश जी को वोट देना है और बाकी यहाँ जो आनंद मिश्रा घूम रहा है ना, चुनाव का बाद मैं उनको दोबारा असम में बुला के ले जाऊंगा। भाई बेटा इधर ही आओ, जो करना है उधर ही करो, बिहार जाके डिस्टर्ब मत करो, असम में तुम्हारा विधि घर है, मैं असम में तुमको ले जाऊंगा, उधर ही रहो, सुख में रहो, यहाँ में बीजेपी को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ बक्सर में घुमा घूमी मत करो। ये मोटरसाइकिल चलाने वाला हमें लोग नहीं चाहिए, हमें कश्मीर भारत में लेने वाला हीरो चाहिए। शनिवार को ही बक्सर में बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम हिमंता ने तो यहां तक कह दिया था, आईपीएस अधिकारी ने बिहार में बीजेपी की सेवा करने के लिए मुझसे वीआरएस मांगा था और यहां आने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के फायदे के लिए बुलेट चला रहे। आनंद मिश्रा ने मुझसे साफ तौर पर कहा था कि मुझे पार्टी से टिकट नहीं चाहिए, मैं केवल बीजेपी की सेवा करना चाहता हूं। उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए था, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से मिल रहा है। आपको बता दें असम सीएम हिमंता के निशाने पर आए बक्सर से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का नाम असम मेघालय कैडर के तेज तर्रार अफसरों में शामिल। अपने करियर के दौरान उन्होंने 150 से ज्यादा एनकाउंटर किए, सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो वहीं उनके व्यक्तिगत जीवन और अब तक के करियर की बात करें
आनंद मिश्रा का जन्म 1989 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। आनंद मिश्रा के पिता कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर थे। स्कूलिंग के बाद कोलकाता के जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 2011 में 22 साल की उम्र में आनंद मिश्रा ने यूपीएससी क्रैक की थी। 225 रैंक के साथ आनंद मिश्रा आईपीएस कैडर के लिए चुने गए थे। असम में तैनाती के वक्त ड्रग माफियाओं पर एक्शन से वो चर्चा में आए। फिटनेस और आम जनता के बीच काम को लेकर चर्चा में रहते हैं। आईपीएस आनंद मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में भी थे। आनंद मिश्रा ने जब पुलिस की सेवा से इस्तीफा दिया था तो उस वक्त बीजेपी से टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने एन मौके पर मिथिलेश तिवारी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। फिर क्या, बीजेपी से मिले झटके के बाद आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और अब जोरदार चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है उसने बीजेपी की सांसें फुला दी। वैसे आपको क्या लगता है, बक्सर सीट पर कौन बाजी मारेगा, बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी या फिर आनंद मिश्रा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।